तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4, जो कि पार्ट 1, 2, 3 आपको दे चुका हूँ। और इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 और 2, 3 को जरूर देखें, और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, तब हमें पता चल सकेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हमारा क्लास है, चौथा क्लास है। तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सामान्य रूप। तो सबसे पहले करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमारा एकदम मेन बेसिक पोर्शन है, और चौथा क्लास में हम इसको इसलिए दे रहे हैं एकदम बेसिक पोर्शन। सबसे पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सामान्य रूप। उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का मतलब सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके हल होंगे। उसके बाद है सॉल्यूशन, मतलब किस किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड द्वारा। सेकेंड है फॉर्मूला मेथड, यानी श्रीधराचार्य मेथड इसको बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग, इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति निकालेंगे। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि शब्द समस्या समीकरण आएगा। तो सबसे पहला हमारा रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले थोड़ा सा पहले चेक करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, मतलब सॉरी बहुपद नहीं, इक्वेशन किसे कहते हैं। पहले चेक करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसे पता कैसे करेंगे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए आइए करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला बेसिक पोर्शन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बाद करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझिए इसको, बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला आएगा हमारा ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। पॉलिनोमियल्स को जीरो से इक्वेट नहीं करते थे, और इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे। ए इक्वल नॉट जीरो, इसको बोले इसका डिग्री कितना है, वन है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसमें भी ए इक्वल नॉट जीरो, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो, इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। फिर उसके बाद ए एक्स का पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल जीरो, इसको बोलेंगे फोर्थ डिग्री इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी देर में बताते हैं, फोर्थ डिग्री इक्वेशन। इन सब में ए इक्वल नॉट जीरो, इन सब में होगा नॉट जीरो, और इक्वेशन हमेशा फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन रहेगा। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन कहने का मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, और रूट का चिन्ह नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, और एक्स वाला टर्म बटा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको समझाते हैं। पहले इसको नोट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको, इसलिए इसको नोट करिए। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था, लेकिन हम सारा पहले स्टार्टिंग से कर दें। लीनियर बताए हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक है, उसके बाद क्यूबिक है, उसके बाद फोर्थ डिग्री इक्वेशन है। तो इसको क्वाड्रेटिक हटा करके इक्वेशन कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, मतलब सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसमें आएगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, उसके बाद फोर्थ डिग्री इक्वेशन। इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे टर्म को हम लोग बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाले टर्म को फोर्थ डिग्री का कॉफिशेंट होना चाहिए, स्क्वायर का कॉफिशेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। फिर इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन से लीनियर, कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा चैप्टर ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका करते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, चेक करते हैं इसको। तो बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस रूट अंडर एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन नहीं है, रूट अंडर रूट लगा हुआ है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स इक्वल जीरो, ये भी नहीं है क्योंकि बटा में है, एक्स वाला टर्म बटा में है। फिर उसके बाद एक्स ई का पावर माइनस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ए एक्स टू दी पावर माइनस वन फिर प्लस वन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पावर माइनस में है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट अंडर एक्स प्लस सी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि एक्स वाला टर्म रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन को लाते हैं, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन है, एकदम सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर देखो फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो इस फॉर्म में रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन चाहिए, तो नोट करिए इसको। चलिए आते हैं अब सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में था हमारा, पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद था फॉर्मूला मेथड, और उसके बाद था कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। तो सबसे पहला हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड, इससे सीखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या होगा, पहले बेसिक समझिए इसका। बी एक्स इक्वल्स टू बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स, मतलब बीच वाले टर्म को ऐसा दो पार्ट में बांटना है कि जोड़ने पर वापस बी एक्स पुर जाए। फिर उसके बाद ए और सी को इस तरह से गुना करना है कि ए और सी को बी वन एंड बी टू, मतलब B1 और B2 को गुना करने पर वापस ए सी पुर जा। A और C को इस तरह से गुना करना है, गुना करके लिख लेंगे एक साइड में, और B1 और B C को दो पार्ट में बांटेंगे, और ये दोनों को गुना करने पर ए सी पुरना चाहिए। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का रूल है, इसी से करेंगे। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, पहले रोक। चलिए देखते हैं इसको करना क्या है, कि बी वन और बी टू को इस प्रकार से गुना करना है कि ए सी पुर जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो पहले वाले टर्म को तीसरे वाले टर्म से कहीं गुना करके लिख लेंगे, माइनस एट एक्स स्क्वायर, और इस बीच वाले टर्म को सेवन एक्स को दो टर्म में डिवाइड बांटेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एक्स, एट एक्स में से एक्स को घटा देंगे तो माइनस सेवन एक्स बचेगा, फिर माइनस एट इक्वल जीरो लेके चलो। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालिए, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस एट, फिर इसमें से वन कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस एट, फिर एक्स प्लस, ये दोनों इक्वल होना चाहिए तब हमारा गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गलत हो जाए, एक्स प्लस वन। फिर उसके बाद ये दोनों में से एक निकाल लेंगे एक्स माइनस एट, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, फिर एक्स माइनस एट इक्वल जीरो, एक्स इक्वल माइनस वन, ये हमारा पहला आंसर हो गया। फिर एक्स इक्वल एट, ये एक आंसर हो गया। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बोला है रूट अंडर थर्टीन एक्स, थर्टीन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस फाइव। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड का 2015 में पूछा हुआ है, और 2016 में भी पूछा हुआ था, 16 में शायद पूछा हुआ था, लेकिन 2015 में कन्फर्म यह पूछा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। बोला है कि रूट अंडर तेरह माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस फाइव। तो जब भी स्क्वायर का कंसेप्ट आए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिर उसके बाद दोनों तरफ वर्क कर देंगे,
और रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू अभी यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 5 तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल प्लस 10 एक्स क्या करेंगे ये दोनों को उठा करके इधर ले चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10 एक्स माइनस 13 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 10 एक्स माइनस 13 और प्लस 5 यानी कि माइनस 8 अब इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और लेके चलते हैं अब फैक्टराइजेशन मेथड वही रूल आ गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड पहले वाले से तीसरे वाले को गुना करके कहीं पे साइड में लिख लो या फिर अपने मन में भी लिख सकते हैं माइनस 8 टू जा 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर तो क्या करना है 2 एक्स स्क्वायर बीच वाले को ऐसा दो पार्ट में बांटना है चलिए देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो चुका है 5 का होल स्क्वायर 25 होगा तो 25 कर लीजिए इसके 25 हुआ तो 25 माइनस 13 बचेगा हमारा कितना प्लस 12 बचेगा तो पहले वाले से तीसरे वाले गुना करेंगे या फिर कॉमन ले सकते हो जितना भी छोटा करेंगे उतना अच्छा होगा 2 कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0 और लेके चलिए फिर इस पहले वाले से लास्ट वाले गुना करके कहीं पे लिख लीजिए 6x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बीच वाले टर्म कैसा दो पार्ट में बांटना है कि वापस जोड़ने पे 5x पूर्जा आना चाहिए और गुना करने पे इतना पूर्णा चाहिए तो क्या प्लस 6 इक्वल 0 ये दोनों से कॉमन लीजिए x कॉमन ले लो x प्लस 3 और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए x प्लस 3 ये दोनों हमारा इक्वल है और इन दोनों में से क्या करेंगे x प्लस 2 ले लेंगे और इसमें से x प्लस 3 निकाल लेते हैं इक्वल 0 तो x प्लस 2 इक्वल 0 x प्लस 3 इक्वल 0 x का वैल्यू माइनस 2 और x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 ये हमारा आंसर हो गया तो इस तरह से रूट वाला कंसेप्ट बनेगा चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बोला पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq बोला है p इक्वल्स टू नॉट जीरो तो सबसे पहले क्या करो इसमें से जोड़ा पुरा लेते हैं इसमें से x कॉमन ले लेंगे पी एक्स प्लस 2q पी एक्स प्लस 2q इसमें p कॉमन ले लो पी एक्स माइनस 2q कंडीशन क्या था हमारा कि ये दोनों हमारा हाँ इसमें प्लस होना चाहिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस होना चाहिए ये दोनों हमारा इक्वल हो गया तो हमारा गुणनखंड से फैक्टराइजेशन एकदम बिल्कुल सही है अगर ये दोनों हमारा सही नहीं पूरा तो फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो सकता है तो x माइनस पी पी एक्स प्लस क्यूब पी एक्स प्लस 2q अब x माइनस पी इक्वल 0 पी एक्स प्लस 2q इक्वल 0 लेंगे तो x इक्वल पी एक आंसर ये हो गया हमारा पी एक्स इक्वल माइनस 2q एक्स इक्वल माइनस 2q बाय पी इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा और फैक्टराइजेशन मेथड का कंसेप्ट हम आसानी से समझ गए अब इसके बाद समझते हैं फार्मूला मेथड यानी कि श्रीधराचार्य रूल्स